और इस वक्त दिल्ली के बवाना से बड़ी खबर आ रही है। बवाना विधानसभा उपचुनाव में पहले राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। सुरेंद्र कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और बवाना से अतीत में 3 बार विधायक भी रहे हैं, पहले राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है। वो बीजेपी जिसने राजौरी गार्डन उपचुनाव जीता, नगर निगम के चुनावों में जीत का परचम लहराया। अगर पहले राउंड में जो काउंटिंग से जो जानकारी मिल रही है उस पर जाएं तो बीजेपी के लिए बुरी खबर। तीसरे नंबर पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर। यहां केजरीवाल की खुद की प्रतिष्ठा एक तरह से दांव पर है, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग में, मतगणना में पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, जानकारी मिल रही है कि दूसरे राउंड की काउंटिंग का नतीजा भी सामने आ रहा है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए इसे अच्छी खबर माना जाए बवाना से, या जल्दबाजी होगी अभी ये कहना? देखिए, अभी वाकई ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस की वापसी कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में हो चुकी है, जिस तरीके से उसके पैर उखड़ गए थे पिछले 2 चुनाव में, लेकिन लगातार वापसी दिखा रही है कांग्रेस और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम यहां भी देखने को मिल रहा है। दोनों राउंड में, पहले दोनों राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस की बढ़त बरकरार है, लेकिन यहां तीनों ही पार्टियों के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला है। 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार को अब तक 3,796 वोट मिले हैं, वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, उसके उम्मीदवार रामचंद्र को 3,451 वोट मिले हैं और बीजेपी के वेद प्रकाश, जिनके इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई थी, वो तीसरे नंबर पर है और उन्हें अब तक 3,154 वोट मिले हैं। तो तीनों ही पार्टियों के बीच बेहद नजदीकी मुकाबला है और कुल 28 राउंड की गिनती होनी है, 2 राउंड की गिनती अब तक हुई है। तो ये जो है, ये जो तस्वीर है, इसमें फेरबदल भी हो सकता है, जो आगे चल रहे हैं वो पीछे भी जा सकते हैं, पीछे वाले आगे भी जा सकते हैं। बेहद नजदीकी और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है नया यहाँ पर बवाना में, जो वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है उसके लिए। तो जैनेन्द्र, ये बेहद अहम जानकारी देते हुए कि 28 राउंड की काउंटिंग होगी, उसमें से देखिए 2 राउंड के जो जानकारी मिलकर के आ रही है, जैनेन्द्र बता रहे हैं कि इन दोनों राउंड्स में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि क्या बवाना की सीट कांग्रेस पार्टी की वापसी कर सकती है। हालांकि कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 2 राउंड की वोटों की गिनती के बाद, बीजेपी तीसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रामचंद्र हैं, कांग्रेस पार्टी जो कि पहले नंबर पर चल रही है फिलहाल 2 राउंड्स की गिनती के बाद, उस पार्टी से सुरेंद्र कुमार उम्मीदवार बने हैं और वो बवाना से बाकायदा 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। और वेद प्रकाश, जिनके आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की बीजेपी के टिकट पर, अब वो बवाना से चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे है, पहले राउंड में कांग्रेस आगे है, 28 राउंड की गिनती होनी है और वोटों का अंतर बहुत कम है इन तीनों उम्मीदवारों के बीच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के बवाना उपचुनाव में पहले और दूसरे राउंड में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बवाना से सुरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव मान सकते हैं आप तीनों पार्टियों के लिए, दिल्ली की सियासत को देखते हुए, जहां पर अरविंद केजरीवाल 2015 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब तक कोई खास जीत उन्हें नसीब नहीं हुई है और ऐसे में उनकी पार्टी का सब कुछ दांव पर। फिलहाल 2 राउंड्स की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी इस रेस में सबसे आगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।